नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस लेक्चर पे। होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन विद सम एनिमेशंस एंड वी विल अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जिन लोगों को ये नहीं पता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता क्या है या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता क्या है, तो मैं उन्हें बता दूं कि सेलुलर रिस्पिरेशन यानी कि सेल्स जब रिस्पायर करते हैं। अब सेल रिस्पायर क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें एटीपी जनरेट करना होता है। आप अगर सेलुलर एक्सप्रेशन की बात करते हो और उन सेलुलर एक्सप्रेशन में एरोबिक एक्सप्रेशन को जब आप कंसीडर करते हो, क्योंकि सेलुलर एक्सप्रेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है तो एरोबिक एक्सप्रेशन, और ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है तो एनएरोबिक एक्सप्रेशन। आप बोलते हो एरोबिक एक्सप्रेशन में, जो कि ग्लूकोज जब ऑक्सीडाइज होता है थ्रू द पायरो ग्लाइकोलिसिस लिंक रिएक्शन एंड टीसी साइकिल, तो जब ग्लूकोज ऑक्सीडेशन में जाता है तो ग्लाइकोलिसिस पहले परफॉर्म होता है, जिसमें एक ग्लूकोज दो पायरुवेट मॉलिक्यूल में टूटता है। उसके बाद एक पायरुवेट एक एसिटाइल दो पायरुवेट दो एसिटाइल कोए बनाते हैं, और वो दो एसिटाइल कोए टीसी साइकिल में जाते हैं और दो CO2 जो है रिलीज कर रहे होते हैं। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे, 4 CO2 रिलीज कर रहे होते हैं। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे आता है कि जब भी आप परफॉर्म करते हैं ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन को, तो ऑक्सीडेशन इनकम्प्लीट होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और उसमें सिर्फ ग्लाइकोलिसिस ही होती है। लेकिन जब ऑक्सीजन होता है तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, यानी ग्लाइकोलिसिस लिंक रिएक्शन और क्रेब साइकिल परफॉर्म होता है। अब उन दौरान ग्लाइकोलिसिस के दौरान 2 NADH का सिंथेसिस होता है, लिंक रिएक्शन के दौरान 2 NADH का सिंथेसिस होता है, और टीसी साइकिल के दौरान 3 NADH फॉर वन साइकिल, 1 FADH2 एंड 1 GDP सिंथेसाइज होता है एक साइकिल के लिए। लेकिन दो साइकिल के लिए 6 NADH, 2 FADH2 और 2 GDP का सिंथेसिस होता है। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट यही होता है कि जो एनएडीएच और एफएडीएच होते हैं वो इलेक्ट्रॉन कैरिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन कैरिंग मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को वापस लेना होता है, क्योंकि ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इलेक्ट्रॉन को इन कैरिंग मॉलिक्यूल्स को दिया जाता है कि आप अपने पास रखें। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को वापस से लिया जाता है, और उसी इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से एक प्रोटॉन पंपिंग कराई जाती है माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन के क्रॉस, और उस प्रोटॉन पंपिंग की वजह से उस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के क्रॉस एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, और उससे एटीपी सिंथेसिस कराया जाता है। तो आज का पार्ट, आज का लेक्चर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्लस एटीपी सिंथेसिस, यानी अगर मैं कंबाइनली बोलूं तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के लिए। जैसे यहाँ पे देखो, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट। अब कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट अगर आप रिस्पिरेशन कभी पढ़े होंगे, कभी ऑब्जर्व किया होगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट का बेसिक सेंस क्या कहता है? ये कहता है कि इसे बोला जाता है एनएडीएच कोएंजाइम क्यू ऑक्सीडेज या रिडक्टेज बोला जाता है। एनएडीएच रिडक्टेज है बेसिक तौर पर। अब ये क्या करता है कि ये इसके पास आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, FMN सेंटर्स होते हैं, फ्लेमिंग मोनोन्यूक्लियोटाइड वाले सेंटर्स होते हैं, तो ये एनएडीएच को ऑब्जर्व करता है। यू कैन सी दैट एनएडीएच को जो है पकड़ेगा और एनएडीएच से इलेक्ट्रॉन को लेगा, इट विल ऑक्सीडाइज द एनएडीएच। ये एनएडीएच को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा एनएडीएच से इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडाइज की, और ऑक्सीडाइज करने के बाद अपने इलेक्ट्रॉन को कोएंजाइम क्यू को देता है, और कोएंजाइम क्यू लिपिड के अंदर जो बाइलेयर होता है उस इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन शो किया जा रहा है वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को शो किया था। अब इस इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में ये कोएंजाइम क्यू अगर ऑब्जर्व करिए, तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और ये मूव करते हुए कहाँ पे जा रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड के पास जा रहा है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड से वन से थर्ड की तरफ जा रहा है। अब यहीं पे जो है इंटरेस्टिंग फीचर होता है कि जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड के पास जाता है, तो जब एनएडीएच इलेक्ट्रॉन देता है, तो एनएडीएच अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, आप अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं एनएडीएच इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो वो आयरन सल्फर सेंटर के थ्रू एफएमएन के पास आ रहा है, और वहां से जो है वो कोएंजाइम क्यू के पास आ रहा है। एक इलेक्ट्रॉन फ्लो बन रहा है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एक क्या होता है? एक कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होगा, और कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होगा तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर वन करीब करीब 4 प्रोटॉन को क्या करता है? पंप करता है। ठीक है, इसके बाद ही जो है आपके पास अगर ऑब्जर्व करें तो कोएंजाइम क्यू अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन किसको डिलीवर कर रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड को डिलीवर कर रहा है। लेकिन बीच में एक कॉम्प्लेक्स आता है जिसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड। कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड जिसे आप सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि टीसीए साइकिल में भी इन्वॉल्व होता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी इन्वॉल्व होता है। ये करता क्या है कि ये जो है यहाँ पे सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्सेस, बेसिक तौर पे सक्सिनेट जब बन रहा होता है तो सक्सिनेट से फ्यूमरेट जब बनता है तो वहां पे FADH2 का फॉर्मेशन करता है, और वो FADH2 से इलेक्ट्रॉन खुद लेके कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड के पास भेजने की कोशिश करता है। लेकिन अगेन डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन तो जाएगा नहीं, बीच में एक कैरियर चाहिए, तो ये भी इलेक्ट्रॉन अपना किसको देता है? कोएंजाइम क्यू को देता है। तो कोएंजाइम क्यू एक तरीके से लिंक कह सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर वन से कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड के बीच में इलेक्ट्रॉन पहुंचाने वाला कोएंजाइम क्यू है, और कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड से कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड तक इलेक्ट्रॉन पहुंचाने वाला कौन है? वो है आपका कोएंजाइम क्यू। और कॉम्प्लेक्स नंबर वन एनएडीएस से इलेक्ट्रॉन को जो है लेता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर टू एफएडीएस टू से इलेक्ट्रॉन लेता है। तो कॉम्प्लेक्स वन की रिक्वायरमेंट
एनएडीएस से इलेक्ट्रॉन लेने की, कॉम्प्लेक्स टू की रिक्वायरमेंट जो है एफएडीएस टू से इलेक्ट्रॉन लेने की, दोनों अपना इलेक्ट्रॉन को एंजाइम क्यू को देंगे और को एंजाइम क्यू रिड्यूस होके से यूबी क्विनॉल बनता है और वो अपना इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड तक पहुंचा देता है। याद रहे कि इस दौरान जो कॉम्प्लेक्स नंबर टू होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर टू वो इंटीग्रल प्रोटीन जैसा नहीं होता, हालांकि इसमें डोमेन थोड़े बहुत होते हैं लेकिन इंटीग्रल डोमेन कंप्लीट नहीं होता, जिसकी वजह से ये किसी भी प्रोटॉन की पंपिंग नहीं करता। कॉम्प्लेक्स नंबर वन जो होता है वो प्रोटॉन की पंपिंग करता है लेकिन टू पंप नहीं करता। तो यहां तक बेसिक पार्ट आपने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर वन एनएडीएस से इलेक्ट्रॉन लिया, कोएंजाइम क्यू को दिया, इस दौरान एक कॉन्फर्मेशनल चेंज होता है और चार प्रोटॉन की जो है पंपिंग आपको नजर आई। इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर टू एफएडीएस टू से इलेक्ट्रॉन लिया, कोएंजाइम क्यू को दिया और कोएंजाइम क्यू अपना इलेक्ट्रॉन चाहे वो कॉम्प्लेक्स वन से ले चाहे टू से ले अल्टीमेटली कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड तक उसने पहुंचा दिया। तो ये कहानी आपको देखने को मिली ड्यूरिंग द प्रोसेस कॉम्प्लेक्स नंबर वन। अब इसके बाद जरा हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं, जैसा मैंने बताया कोएंजाइम क्यू की बात करें तो अब कोएंजाइम क्यू जो है वो दो इलेक्ट्रॉन लेता है और देखो कहां पे दे रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड को दे रहा है। और ये इंटरेस्टिंग पॉइंट ये होता है कि यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन करके देता है, एक जो है साइटोक्रोम बी को देता है और एक आयरन सल्फर सेंटर को देता है और आयरन सल्फर सेंटर से साइटोक्रोम सी के पास पहुंचता है। तो ये यहीं पे क्यू साइकिल ऑपरेट होती है, जिसको कि मैंने यहाँ पे शो नहीं किया है क्योंकि क्यू साइकिल जो होती है वो एक डिटेल साइकिल है, उसको हम लेटर ऑन वीडियो पे देखेंगे लेकिन फिलहाल के तौर पे क्यू साइकिल यहीं पे ऑपरेट होगी। बस सिंपल तौर पे समझ लीजिए कि कोएंजाइम क्यू दो इलेक्ट्रॉन लेगा, चाहे वो एनएडीएस से ले रहा हो चाहे वो एफएडीएस टू से ले रहा हो, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन लेने के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड तक पहुंचाएगा और एक एक करके इलेक्ट्रॉन को देगा। अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड को देखिए तो साइटोक्रोम बी और सी, देखिए एक इलेक्ट्रॉन बी के पास जा रहा है और एक इलेक्ट्रॉन सी वन के पास आ रहा है, साइटोक्रोम बी सी वन जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट फीचर के तौर पर। तो एक इलेक्ट्रॉन जब ऑब्जर्व करते हो तो एक इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी के पास और एक आयरन सल्फर सेंटर से सी वन के पास, और इस सी वन से जो है साइटोक्रोम सी के पास आ रहा है। C1 जो है देखो मेम्ब्रेन बाउंड इंटीग्रेटेड है, C1 मूव नहीं कर रहा साइटोक्रोम C1, लेकिन जो साइटोक्रोम C है ना वो देखो जैसे Q था मोबिलाइजेबल वैसे साइटोक्रोम C भी है, वो भी मूव कर सकता है फ्रीली, वो इलेक्ट्रॉन लेता है एक एक इलेक्ट्रॉन और कहां पहुंचाता है कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ के पास पहुंचाता है। तो देखो जरा सर ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कि ये अब साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ ए और ए थ्री के पास, और यहां से कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है वो है आपका ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन ही इज हियर दैट इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ऑक्सीजन यहाँ पे फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पे काम करता है। तो आपको ये देखने को मिल सकता है कि कुछ इस तरीके से चीजें जो है वो ऑब्जर्व हो रही है, ठीक है। इसके अलावा कई और भी फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हो सकते हैं। यहाँ पे अगर आप बात करो तो हियर लाइक ऑक्सीजन है आपके पास जो कि चार इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा था और फिर दो वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा था। नाइट्रेट आयन है और भी सल्फेट है कार्बोनेट आयन्स है, दे कैन ऑल्सो एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, ये भी जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को और ये भी जो है बेसिक तौर पे यहाँ पे यूज हो सकते हैं, लेकिन एज अ जनरल फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके के पार्ट्स को आपने विजुलाइज किया और देखा कि किस तरीके से आप अब देखिए एक बार फ्लो में कैसे हो रहा था। कॉम्प्लेक्स नंबर वन इलेक्ट्रॉन लेता है NADH से, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा कोएंजाइम क्यू को और चार प्रोटॉन पंप करेगा इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में। इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर टू या एफएडीएस टू जिसे हम बोलते सक्सिनेट डिहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स जिसे बोलते हैं, वो एफएडीएस टू से इलेक्ट्रॉन लेगा और वो कोएंजाइम क्यू को देगा और वो वहां से पहुंचेगा कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड के पास। याद रहे कॉम्प्लेक्स नंबर फोर वन जो है वो फोर प्रोटॉन को पंप जरूर करता है लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर टू फोर प्रोटॉन को पंप या कोई भी प्रोटॉन पंप नहीं कर सकता है। कोएंजाइम क्यू एक मोबिलाइजेबल एलिमेंट जैसा था जो कि इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स वन और कॉम्प्लेक्स टू से लेता था और बेसिक तौर पे कॉम्प्लेक्स थर्ड तक पहुंचाता था। अब कॉम्प्लेक्स थर्ड बी सी वन कॉम्प्लेक्स भी कहलाता है और कॉम्प्लेक्स थर्ड में इलेक्ट्रॉन वन बाई वन अब यहां से जाएगा, अभी तक दो इलेक्ट्रॉन आया था बी सी वन के पास, अब बी सी वन से वन बाई वन जो है वो इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम सी के पास आएगा और साइटोक्रोम सी ही है जो एक इलेक्ट्रॉन लेता है और ए और ए थ्री के पास पहुंचाता है। अब साइटोक्रोम बी सी वन कॉम्प्लेक्सेस जिसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड भी बोलते हैं, इससे भी जो है वो आपके चार प्रोटॉन पंप होते हैं। जब साइटोक्रोम ए और ए थ्री के पास ये पहुंचा इलेक्ट्रॉन वन इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन दो प्रोटॉन पंप करता है, तो दो इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स वन से चार प्रोटॉन, दो इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स थर्ड तक भी पहुंचा इसके चार प्रोटॉन, लेकिन इसके बाद वन इलेक्ट्रॉन वन वन इलेक्ट्रॉन करके जा रहा था किसके पास, आपके साइटोक्रोम ए ए थ्री यानी कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ के पास, इसलिए यहाँ पे दो प्रोटॉन पंप हो गए। तो एक एनएडीएच अगर होगा तो चार प्रोटॉन कॉम्प्लेक्स वन से चार प्रोटॉन आपके
कॉम्प्लेक्स थर्ड से और दो प्रोटॉन कॉम्प्लेक्स फोर्थ से, यानी टोटल 10 प्रोटॉन पंप करेगा। लेकिन अगर एक FADH2 होगा तो पहला उसका सेकेंड कॉम्प्लेक्स कोई प्रोटॉन पंप नहीं करेगा, थर्ड कॉम्प्लेक्स 4 प्रोटॉन और फोर्थ कॉम्प्लेक्स जो है दैट इज 2 प्रोटॉन। यानी कि एक FADH2 जब ऑक्सीडाइज होता है तो 6 प्रोटॉन पंप करेगा और एक NADH जब ऑक्सीडाइज होता है तो आपके 10 प्रोटॉन पंप हो जाते हैं। अब प्रोटॉन पंप होके जाते कहाँ? ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से पंप होके जाता है इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में। सो दिस साइड इज अ मैट्रिक्स साइड, ये जो साइड आप देख रहे हैं ये मैट्रिक्स साइड है और ये इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस साइड है, ये इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस साइड है, वो इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस साइड में आपके जा रहा है। एक इंटरेस्टिंग फीचर जो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे जब आप देखें प्रोटॉन बहुत तेजी से मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में जाएगा तो इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस का जो पीएच होगा वो डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे एच प्लस जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा था, और मैट्रिक्स का पीएच जो है वो बेसिक तौर पे मैट्रिक्स का पीएच इंक्रीज होगा क्योंकि एच प्लस डिक्रीज हो रहा था। ठीक, तो ये कहानी बनती है, यही कहलाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए जो है हमारा फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर O2 तैयार होता है, किसके पास? कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ के पास। तो ये है कॉम्प्लेक्स नंबर वन जिस पर हमने चर्चा किया था। ठीक है, तो दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर वन, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर टू, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड, हियर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर टू, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ है। ठीक है, तो ये कहानी होगी। अब इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली अपने फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन के पास चला गया, प्रोटॉन पंप हो गया, तो प्रोटॉन पंप होने की वजह से बाहर की तरफ H प्लस ज्यादा हो जाता है, अंदर की तरफ H प्लस लो हो जाता है। तो H प्लस हाई और लो होने की वजह से यहाँ पे एक प्रोटॉन केमिकल ग्रेडियंट बनता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? देयर शुड बी अ प्रोटॉन केमिकल ग्रेडियंट या प्रोटॉन मोटिव फोर्स, जिसे आप बोलते हैं PMF, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। और साथ में बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव आयन ज्यादा है बाहर की तरफ, तो पॉजिटिव आयन ज्यादा होने की वजह से मेम्ब्रेन की इस साइड पे पॉजिटिव साइड पे ये पॉजिटिव होता है और यहाँ पे नेगेटिव साइड आपको नजर आ रहा होता है। ठीक है, तो अब पॉजिटिव साइड बाहर है तो इस पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी जनरेट होता है। तो PMF प्रोटॉन मोटिव फोर्स एज वेल एज EMF यानी इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स, यानी दो फोर्सेस यहाँ पे होंगे, इसे बोला जाता है केमिकल पोटेंशियल। ये दोनों मिलके अब क्या करते हैं, प्रोटॉन को मैट्रिक्स में वापस लेके आएंगे। लेकिन कोई ना कोई एक कॉम्प्लेक्स चाहिए इस फोर्स का यूज करने के लिए, वही कॉम्प्लेक्स होता है आपका फाइनल कॉम्प्लेक्स, जिसे आप बोलते हैं ATP सिंथेज, F0F1 कॉम्प्लेक्स। तो ये जो F0F1 कॉम्प्लेक्स आप शो करते हो, इसमें देखिए ये है आपके पास F0 और ये है F0। F0 का काम होता है प्रोटॉन को एक एक करके पंप करना, कहां से? इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस से आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और उस मूवमेंट से जिस F0 के पास कई सारे जो इस तरीके से अपैरेटस होता है जो धीरे मूव करता है, रोटेशनल शो करता है, और उस रोटेशन की वजह से आपके कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होते हैं F1 कॉम्प्लेक्सेस में, और F1 कॉम्प्लेक्सेस बेसिक तौर पे ATP सिंथेसिस करवाते हैं। सो दिस इज द कह सकते हैं कि ओवरव्यू या समरी और एनिमेशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, कि कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट परफॉर्म होता है। तो एक बार फिर से क्विक ओवरव्यू कर लेते हैं फटाफट। तो कुछ इस तरीके से था, कॉम्प्लेक्स वन ऑक्सीडाइज करता है NADH को, वहां से 4 प्रोटॉन पंप करेगा कॉम्प्लेक्स वन मैट्रिक्स इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में, और अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा कोएंजाइम क्यू के पास, वो कोएंजाइम क्यू अपना इलेक्ट्रॉन पहुंचाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड के पास। यहीं पे होता है कॉम्प्लेक्स नंबर टू, जो कि FADH2 से इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा कोएंजाइम क्यू के पास, वो अपना इलेक्ट्रॉन पहुंचाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड के पास। कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड जो है अब अपना इलेक्ट्रॉन पहुंचाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ के पास विथ द मोबाइलेबल या मोबिली कह सकते हैं मोबाइल एलिमेंट साइटोक्रोम सी। अब साइटोक्रोम सी थर्ड और फोर्थ के बीच में मूव करता है, और फर्स्ट से थर्ड या सेकंड से थर्ड के बीच में यूबीक्विनोन या आपके कोएंजाइम क्यू जो है वो मूव करते हैं। इसके बाद जैसे जैसे जो है ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है वन टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ, और अल्टीमेटली ऑक्सीजन के पास जाता है, तो कॉम्प्लेक्स वन थर्ड और फोर्थ प्रोटोन को पंप करते हैं। वन पंप करता है 4, थर्ड करता है 4 और फोर्थ करता है 2 प्रोटॉन्स, जिसे टोटल 10 प्रोटॉन पंप किया जाता है NADH से, और FADH से सिर्फ और सिर्फ 6 प्रोटॉन पंप किया जाता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर टू कोई भी प्रोटॉन पंप नहीं करता है। अल्टीमेटली ये प्रोटॉन पंप होने की वजह से इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में H प्लस बढ़ जाता है, जो कि एक हाई H प्लस कॉन्सेंट्रेशन की बात करता है, और आपको एक प्रोटॉन ग्रेडियंट देखने को मिलता है। प्रोटॉन ग्रेडियंट हाई होता है इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में और लो होता है आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में।
सो इस वजह से इस प्रोटॉन प्रोटीन को यूज करता है एटीपी सिंथेस, और यूज करके वो बनाता है एटीपी, नाम ही पता है एटीपी सिंथेस। सो दिस इज अ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एनिमेशन। होप कि आपको ये एनिमेशन समझ में आ गया होगा। अब इसमें कुछ ड्रग्स वगैरह को यूज करते हैं। अगर ऑक्सीजन को रिमूव कर दीजिए यहाँ से, तो कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ काम करना बंद कर देगा, क्योंकि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या था आपका, बेसिक तौर पे वही था। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास कौन पहुंचा रहा था, इलेक्ट्रॉन पहुंचा रहा था आपका। तो आपने ऑक्सीजन रिमूव किया तो इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन फ्लो विल नॉट वर्क, ठीक है, काम ही नहीं करेगा। और चक्कर में इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा तो प्रोटॉन ग्रेडियंट नहीं बनेगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट नहीं बनेगा तो एटीपी सिंथेसिस भी अफेक्ट हो जाएगी। इसका मतलब है कि इफ यू रिमूव द ऑक्सीजन, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एज वेल एज एटीपी सिंथेसिस बोथ इज गोइंग टू बी अफेक्टेड, राइट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे ही डिपेंडेंट होता है एटीपी सिंथेसिस। एग्जैक्टली, व्हेन यू एड द साइनाइड हियर, तो साइनाइड भी क्या करता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ को अफेक्ट करता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ को अफेक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा। और जब ये रुकेगा तो अल्टीमेटली कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड, कॉम्प्लेक्स नंबर वन की भी अफेक्टेड होंगे, और उसकी वजह से एटीपी सिंथेसिस भी अफेक्टेड हो जाएगा। जो साइनाइड यूज करिए या आप जो है ऑक्सीजन यूज करिए, उसकी वजह से ऐसा फिनोमेना हो सकता है। और अगर आप जैसे कि कोई अनकपलिंग रिएजेंट जैसे कि डीएनपी डाइनाइट्रोफिनॉल यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए वो क्या कर देगा, वो एक तरीके से टनल बना दे रहा है जिसके थ्रू साइड से प्रोटॉन आ जा रहा है, एटीपी सिंथेसिस की वजह से नहीं आ रहा। तो अनकपल क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, कोई चेंजेस नहीं हो रहे, क्योंकि उसमें अनकपलर का रोल है ही नहीं है, उसमें उसे कोई डिस्टर्बेंस हो ही नहीं रही है। दिक्कत हो रही है प्रोटॉन ग्रेडियंट बनने में, यहाँ पे अगर अनकपलर आ जाएगा तो वो प्रोटॉन मोटिव फोर्स को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है, जिससे कि एटीपी सिंथेसिस सिर्फ अफेक्ट हो गई, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर वन थर्ड इन सब तरीके से जो है यहाँ पे चीजें देखने को मिलती है। कॉम्प्लेक्स वन को इनहिबिट करने वाला होता है रोटिनोन एमाइटल, ठीक है, ये सब किसको कहते हैं, रोटिनोन एमाइटल बेसिक तौर पे कॉम्प्लेक्स वन के लिए होते हैं। एंड इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड के लिए होता है आपके एंटीमाइसिन ए, और कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ को इनहिबिट करने वाले होते हैं साइनाइड, साइनाइड और आपके कार्बन मोनोऑक्साइड। कॉम्प्लेक्स नंबर फिफ्थ को इनहिबिट करने वाला होता है, खासकर एफ नॉट सब यूनिट को इनहिबिट करने वाला होता है, वो है ओलिगोमाइसिन, और अनकपलर के तौर पे डाइनाइट्रोफिनॉल। तो ये रही समरी ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन विद सम इनहिबिटर्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज कमेंट कि आपको अच्छा लगा, और अगर आप वेट कर रहे हैं अगले वीडियो का तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में करके, और दोस्तों तक शेयर करिएगा। विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।